पहले सुबह चंदन क्यारी स्थित झरिया रोड पेट्रोल पंप के समीप उमा चरण मेहता के घर व दुकान के बाहर खड़ी उनके बेलेरो वाहन को चोर ले भागा। घटना मंगलवार की सुबह 4:15 बजे की बताई जा रही है, जो गृहस्वामी के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें एक बदमाश काले रंग की पैंट व शर्ट में वाहन को चाबी से खोलकर चंदन क्यारी चौक की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है, जिसका चेहरा सफेद रंग के गमछे से पूरा ढका हुआ है, जहां वाहन को लेकर भागने के तुरंत पीछे पीछे भी कोई दूसरा वाहन जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें संभवतः बदमाश या उसके सहयोगी रहे होंगे। इस संबंध में वाहन मालिक उमाचरण के लिखित बयान पर चंदन क्यारी थाने में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है, बहुत जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कई बार चोरी हो चुकी है। भोजरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। शाम को हम लोग दुकान बढ़ाने के समय सब गाड़ी भी पार्किंग पे खड़ा थी, उसके बाद स्टाफ लोग भी अपना घर चल गए, हम लोग भी अपना अंदर चल गए। रात करीब 8:15 बजे के पास एक कस्टमर आया था टायर लेके, उनसे भी बातचीत को गेट खोले पे निकले, गाड़ी हम लोग को पार्किंग में ही था, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, उसके बाद सो गए। मॉर्निंग जब हम लोग सुबह करीबन 6 बजे के टाइम, जब हम लोग 6 बजे नहीं मान के चले 5 बजे के टाइम ही हम लोग निकल गए थे भैया, तो 5 बजे देख रहे पार्किंग पे बोलेरो गाड़ी जो था वो नहीं था, तो फिर हम लोग से पूछा कहीं गाड़ी उड़ी किसी को दिए हैं क्या, तो हम लोग बोले नहीं गाड़ी तो नहीं दिए, फिर बाल बच्चा साथ में निकले तो देखे ना गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाले तो सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को 4:20 में गाड़ी चोर लेके भागते हुए दिख रहा है, और गाड़ी चोर भागते हुए दिख रहा है। उसके बाद फुटेज हम लोग पूरा छानबीन किए तो उसमें देख रहा है आपका चोर, 3 चोर दिख रहा है। पहला सीसीटीवी फुटेज को उधर से आके अपना देखा है, कैमरा को देखा, उसके बाद उस तुरंत छिप गया। दूसरा गमछी लपटते हुए आके मास्टर चाबी के साथ उसको खोला है, उनको करीब खोलने में मोटा मोटी 5 सेकंड में ही ताला तोड़ दिया है, 5 सेकंड 10 सेकंड में ही। दूसरा जो हैंडल का चाबी स्टार्ट चाबी होता है उसको भी उनको समय मोटा मोटी 15-20 सेकंड लगा है, फिर उसका खुल गया है, उसके बाद स्टार्ट किया, बैक किया और चंदन क्यारी को लेते हुए भागा है। रोड पे एक इधर गार्डिंग कर रहा था वो भी आदमी दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वही 3 व्यक्ति दिख रहा है, उसके साथ एक KTM बाइक है और उसके साथ एक फोर व्हीलर भी दिख रहा है। क्या इसकी लिखित शिकायत आप थाना में दिए हैं? हाँ जी, थाना में सारा आवेदन दिए हुए हैं और थाना प्रभारी महोदय आए हुए थे कल मॉर्निंग में, वो भी अपना सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगाल के सब सबूत के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट में ले गए हैं। आश्वासन अभी तक हम लोग को दिए हैं कि देखिए हम लगे हुए हैं, टेक्निकल टीम के लिए बोले थे कि कल टेक्निकल टीम आएगा, उसके बाद लोकेशन पे पूरे कौन सी सिस्टम है प्रशासन का वो बोले करेंगे, अब देखिए क्या कर रही है प्रशासन। और इससे भी पहले हम लोग को मोटा मोटी 2018 से आज तक कम से कम 6 बार या 7 बार का घटना घट चुका है। पहला घटना मेरा यहाँ हुआ था एक बाइक चोरी, उसका भी उद्भेदन पुलिस कुछ कर नहीं पाई, आवेदन देने का मात्र आवेदन दिए थे, एफआईआर हुआ था उसमें भी उद्भेदन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक साथ में 4 बैटरी चोरी हुआ था मेरा JCB, यहाँ पर पहले हम लोग की दुकान जब नहीं था तो JCB लाइन पर हम लोग थे, तो JCB हम लोग का खड़ा हुआ था तो 4 JCB का एक हिस्सा चोरी हुआ था बैटरी, उसमें भी उद्भेदन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।